आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और मैं बहुत खुश हूं और आप सभी भी खुश होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिजाइन कर दिए हैं अपने मिनिस्ट्री पद से। रीजन हेल्थ इशू बताया जा रहा है, कोई भी रीजन हो। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत स्लो काम चल रहा था एजुकेशन फील्ड में, बहुत स्लो काम हो रहा था। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही था कि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ चैनल में ऑलरेडी आप सभी देख लिए होंगे, विकिपीडिया ने भी इसको अपडेट कर दिया है रिजाइन को लेकर, तब मैं वीडियो बना रहा हूं। और नीट का क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि नीट को जो भी है इफेक्ट नहीं होगा। जो भी एचआरडी मिनिस्टर बनेंगे वो कोई ना कोई एजुकेशन फील्ड के ही बनेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब देखते हैं, बहुत जल्द अनाउंसमेंट इसका कर दिया जाएगा। और फ्रेंड क्योंकि मैं रीजन ये था कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म इतना डिले होना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि 2-3 महीने पहले आना चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना था, इसमें इतना डिले क्यों। एग्जाम मैं समझ सकता हूं कि एग्जाम में डिले हुआ ड्यू टू कोरोना, बट एप्लीकेशन फॉर्म ना जेई मेंस का ना इसका अब आया, नीट का भी नहीं आया, सब काम स्लो, नो अपडेट। तो खैर मैं खुश हूं और आगे देखते हैं क्या होता है। नीट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बहुत जल्द इसका डिसीजन हो जाएगा। थैंक यू।